आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री सुरेश राणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए कुल 384 करोड़ रुपए परिव्यय के प्रस्तावों पर अनुमोदन की मोहर लगाई गई। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सीए के विरोध में चल रहे धरनों और सीए पर कहा, यह नागरिकता देने का कानून है, न कि इससे किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। वही दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह द्वारा बुरके पर दिए गए विवादित बयान पर पूछे गए सवाल पर मंत्री सुरेश राणा ने अपनी पार्टी का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाला नारा दोहराते हुए कहा, योगी ने प्रदेश की हर योजना का जाति धर्म से ऊपर उठकर क्रियान्वयन किया है। वहीं एएमयू में प्रदर्शन के दौरान शर्जील इमाम की रिहाई के नारों पर चिंता जताते हुए कहा कि इन्हें सोचना चाहिए कि देश आगे कैसे बढ़े, और सीए का विरोध में चल रहे धरनों पर कहा कि इनके राष्ट्रीय विरोधी ताकतों से तार जुड़ने का समाचार भी मिलता है, राजनीतिक आधार पर भी गुमराह करने का समाचार मिलता है, जिसकी जाँच चल रही है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय विरोधी क्रियाकलापों के करने की छूट नहीं दी जाएगी। राजनीति का विषय नहीं है, हिंदू तो अंतरात्मा है, राष्ट्रवाद हमारी अंतरात्मा है, राष्ट्रवाद हमारा मूल है। और मैं कह सकता हूँ ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये भावनाओं का और आत्माओं का। बजरंगबली को लेकर जो तमाम तरीके की जानबाजी दी गई थी, अरविंद केजरीवाल मंदिर में गए थे कि ये तो अशुद्धिकरण हो गया, इसे शुद्ध कराएंगे, मैं केवल इतना कहूँगा वो हमारे आराध्य देव हैं बजरंगबली, और करोड़ों लोगों की आस्था उनमें है, मेरी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आस्था का विषय है, वो राजनीतिक बयानबाजी।